नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी और मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। 11 बज चुके हैं, बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उस तमाम बड़ी अहम खबर के साथ जो दिन भर सुर्खियों में रहेंगी। तो बुलेटिन की शुरुआत होमगार्ड विभाग से जुड़ी हुई बड़ी खबर सामने आ रही है। होमगार्ड विभाग से गायब हुई 8 राइफलें, विभागीय सत्यापन में हुआ बड़ा खुलासा। वाराणसी कैंट से विधायक की शिकायत पर शुरू हुई थी जांच। 2 साल पहले विधायक सौरभ श्रीवास्तव ने की थी शिकायत। तो शिकायत के बाद मुख्यालय स्तर पर जांच कमेटी की गई थी गठित। होमगार्ड विभाग के पास थी 14,532 कुल राइफलें। उत्तराखंड होमगार्ड विभाग को दी गई थी 538 राइफलें। बरेली प्रादेशिक विकास दल को दी गई 5 राइफलें। बाकी 13,999 राइफल यूपी के जिलों में होमगार्ड विभाग को दी गई। 303 राइफल आउटडेटेड घोषित की गई थी। चुनाव ड्यूटी के दौरान होमगार्ड और पीआरडी जवानों को मिलती है राइफल। सत्यापन पूर्ण होने और राइफलें ना मिलने पर दर्ज होगी एफआईआर। बिल्कुल, तो राइफलें ना मिलने पर दर्ज होगी एफआईआर। होमगार्ड विभाग से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आ रही है। नीलेश चौहान हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीलेश, क्या जानकारी मिल रही है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, बिल्कुल 2 साल पहले विधायक सौरभ श्रीवास्तव ने एक पत्र लिखा था। पत्र में साफ तौर पे कहा था कि होमगार्ड विभाग में तमाम जो राइफलें हैं उनकी शिकायत के बाद एक जांच शुरू हुई। जांच अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। हालांकि उसी बीच एक खबर निकल कर आई है कि होमगार्ड विभाग से 8 राइफलें गायब होने का मामला प्रकाश में आया है। उसके बाद सत्यापन लगातार चल रहा है। सत्यापन जब पूरा हो जाएगा तो कहीं ना कहीं अगर राइफलें वो नहीं मिलती है उसके बाद एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। अगर पूरे राइफलों की संख्या देखी जाए तो 13,999 जो राइफलें उत्तर प्रदेश में होमगार्ड विभागों को दी गई थी, जो अलग अलग जनपदों में जो होमगार्ड विभाग है उनको सौंपी गई थी, उसके बाद सत्यापन चल रहा है और 8 राइफलें गायब है। और गायब राइफलों का पता लगाने के लिए साफ तौर पर होमगार्ड विभाग ने कहा है कि उत्तर प्रदेश के जितने भी पुलिस अधीक्षक है वो अपने अपने जिलों के अंदर आने वाले थानों का निरीक्षण कराए और उसका भी सत्यापन कराए कि कहीं थानों के मालखाने में जो वो राइफलें नहीं है। ऐसे में अगर वो राइफलें नहीं मिलती है तो कहीं ना कहीं मुकदमा भी पंजीकृत कराया जाएगा। बात कर रहे हैं हम 303 जो राइफल जिसको पूरी तरीके से आउटडेटेड घोषित कर दिया गया। हालांकि ये बड़ा सवाल है नीलेश, राइफलें गायब कैसे हो गई? देखिए, बड़ा सवाल जरूर है कि सत्यापन में अभी तक ये निकल कर सामने आया कि 8 राइफलें नहीं मिली है। इसका मतलब कहीं ना कहीं लोगों की लापरवाही रही है, अधिकारियों की लापरवाही रही है, जिसका नतीजा है कि 8 राइफलें गायब है। फिलहाल सभी पुलिस अधीक्षकों को ये कहा गया है कि अपने अपने जिलों के थानों के मालखानों का सत्यापन कराएं, कहीं इन जगहों पर तो राइफलें नहीं है। अगर राइफलें नहीं मिलती है तो जाहिर की बात है मुकदमा पंजीकृत कराया जाएगा। 303 राइफलें जो कि पूरी तरीके से आउटडेटेड घोषित हो चुकी है। अब ये राइफलें सिर्फ चुनावी ड्यूटी के दौरान निकाली जाती है और ये राइफलें होमगार्ड और पीआरडी के जवानों को दी जाती है जब वो चुनावी ड्यूटी में रहते हैं। तो ऐसे में सवाल उठता है 13,999 राइफलें अगर उत्तर प्रदेश के होमगार्ड विभाग को दी गई है तो उन्हें क्या राइफलें गई कहा? चलिए नीलेश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बात करेंगे कुछ और खबरों की। अलीगढ़ से खबर आ रही है, अलीगढ़ के अंडला में डिफेंस कॉरिडोर के कार्यों की समीक्षा करने पहुंचे प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना ने कहा है कि जब भाजपा की सरकार बनी थी तब इंडस्ट्रीज लगाने के लिए यूपी में कोई आने को तैयार नहीं था, लेकिन आज उत्तर प्रदेश इंडस्ट्रीज का हब बन गया है। मेक इन इंडिया के तहत जमीन पर काम होने लगे हैं। यूपी में इंडस्ट्रीज के एक नए युग की शुरुआत हुई है। यूपी पसंदीदा इंडस्ट्रियल क्षेत्र बन गया है। देश में सबसे ज्यादा यूपी में निवेश हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आने के बाद स्थितियां बदल गई हैं। तो अलीगढ़ में एक कार्यक्रम के दौरान ये कहा गया है, सतीश महाना ने कहा कि जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ यहाँ पर मुख्यमंत्री बने हैं उसके बाद से ही इंडस्ट्रियल हब बन गया है उत्तर प्रदेश। 22 फरवरी 2018 को देश में 2 डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की घोषणा करी, एक उत्तर प्रदेश में और एक तमिलनाडु में। उत्तर प्रदेश के 6 नोड्स थे जिसमें झांसी, चित्रकूट, अलीगढ़, आगरा, लखनऊ, कानपुर। महत्वपूर्ण बात यह थी कि जिस समय इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने इस देश की बागडोर संभाली तभी उन्होंने कहना शुरू कर दिया था कि मेक इन इंडिया। उन्होंने ये जो एक स्लोगन दिया, एक विचार दिया कि हमारे देश में सब चीज़ बने हुए। वो पहले ऐसा होता था कि हम बाहर से बहुत सारी चीज़ें खरीद कर अपने आप को बड़ा आदमी समझना शुरू हो था कि ये चीज़ इम्पोर्ट करिए बाहर से लेकर आए, यानी मेक इन इंडिया और अपनी चीज़ के ऊपर गर्व करने के लिए बात उठाई गई। तो गोरखपुर में निषाद समाज पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद पर जलवंशी समाज ने गंभीर आरोप लगाए हैं। जलवंशी समाज का कहना है
कि डॉक्टर संजय निषाद अपने बेटे, अपने परिवार के लिए, अपने जात के लोगों के साथ धोखा कर रहे हैं और उनके साथ केवल 2% लोग रह गए हैं। 2022 में हम उन्हीं के साथ जाएंगे जो हमारे जाति की समस्याओं को दूर करेगा। तो जलवंशी समाज ने केक काटकर कार्यालय का उद्घाटन किया, तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। 2022 में संजय निषाद पर जलवंशी समाज ने आरोप लगाया है, अपने जाति के लोगों के साथ धोखा देने का आरोप जलवंशी समाज ने। ये दे दो अपने बेटे के लिए दे रहा है, समाज के लिए तो कोई कर ही नहीं रहा है। हम प्योर समाज के लिए काम करने आए हैं। जलवंशी नाम हमने इसलिए दिया है क्योंकि हमारा समाज बटा हुआ जो है, बटा हुआ नहीं, हम एक हैं। जितनी भी 17 जातियां हैं वो सब मिलाकर जलवंशी बनते हैं। ये तो निषादों को सिर्फ लेकर चल रहा है, 2% निषादों को लेकर थोड़ा चलता है। क्या मुद्दे आपके चुनाव में, क्या मुद्दे? हमारा दो मुद्दा है, एक आरक्षण का मुद्दा है और दूसरा हमारे फूलन देवी जी का शहादत दिवस, जो हमारे फूलन देवी जी का जो हत्या हुई है उसकी सीबीआई जांच की मांग करते हैं। तो अभी 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 फूलन देवी जी को लेके सारे लोग, आप फूलन देवी जी को लेके अपना दावा पेश कर रहे हैं कि वो हमारी है, हमारी हमारी है, तमाम पार्टियां जी। ये बताइए कि असली हकदार फूलन देवी का कौन? इधर देखकर असली हकदार तो देखिए जो सच्चा जलवंशी है। और बागपत में लोगों ने सामूहिक पलायन की तैयारी की है। गांव वालों ने मकानों पर लगाए मकान बिकाऊ के पोस्टर। शिकायत के बाद भी जलभराव से नहीं मिला छुटकारा। दर्जनों मकानों पर मकान बिकाऊ के पोस्टर लगे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि गंदगी से फैल रही महामारी बागपत के छपरौली थाना के लूम्ब गांव का ये मामला है। तो दर्जनों मकानों पर मकान बिकाऊ के पोस्टर लगे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि गंदगी से महामारी फैल रही है, इसीलिए वो अपना मकान बेचना चाहते हैं। तो बागपत के छपरौली थाना के लंबू गांव का ये मामला है जहां पर दर्जनों मकानों में मकान बिकाऊ के पोस्टर लगे हैं। ये देखिए, ये मकान बिकाऊ है, ये पोस्टर यहां पर लगाया गया है लोगों ने अपने घरों के बाहर। वजह सिर्फ यही है कि गंदगी लगातार फैल रही है और जिससे महामारी फैलने का खतरा मंडरा रहा है, और यही वजह है कि लोग यहाँ से मकान बेचकर पलायन करना चाहते हैं। बिल्कुल, तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं हर जगह जल जमाव की स्थिति है और जल जमाव के चलते बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो फैलती हैं। लोग यहां पर परेशान हैं। उनका कहना है प्रशासन की तरफ से कोई काम यहां पर नहीं किया जा रहा है, ना विधायक सुन रहे हैं लोगों की, और ऐसे में तमाम बड़े बड़े वादे तो पहले किए जाते हैं लेकिन उन पर काम बिल्कुल नहीं किया जाता है। लोगों को बीमारी हुई भी है इस तरीके से जल जमाव के चलते, लोग डर गए हैं और परेशान हैं, इसीलिए ये यहाँ से छोड़ कर कहीं और जा रहे हैं, सुरक्षित स्थानों पर जा रहे हैं और अपने घरों के बाहर इन लोगों ने पोस्टर लगा दिया है जिस पर लिखा है मकान बिकाऊ है। तो कीचड़ की वजह से सामूहिक पलायन की तैयारी में यहाँ के जो गांव वाले हैं वो हैं, और गांव वालों ने मकानों पर मकान बिकाऊ है के पोस्टर भी लगा दिए हैं। तो ये घर बिकाऊ है का पोस्टर लगा है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। तो कोरोना से पॉटरी कारोबार पर बहुत बड़ा असर पड़ा है। आपको बता दें कि बुलंदशहर में पॉटरी उद्योग बंदी की कगार पर है। इसी के साथ व्यापारियों के मुताबिक 60% कारोबार पर असर पड़ा है। पॉटरी का काम करने वाले मजदूर इधर उधर भटक रहे हैं। एक साल से भी ज्यादा बीत जाने के बाद भी माल फंसा पड़ा है। व्यापारियों का कहना है कि सरकार से जो मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराई जानी थी वो व्यापारियों तक नहीं पहुंची। तो व्यापारियों ने मांग की है कि सरकार जीएसटी कम करे और बिजली की आपूर्ति 24 घंटे की जाए। काम तो है नहीं, काम तो ढूंढते हैं, काम मिलना नहीं है कहीं। क्यों? अब मजबूरी यही बनी है, काम नहीं है कहीं। पोटरियां बंद है, क्या है? पोटरियां बंद है तो अब कहीं काम मिले, जब तो बंदा काम करे, ऐसा कर गुजारा चल रहा है। पहले पोटरी में काम करते? हाँ, पहले पोटरी में काम करते, अब जो घर पे है अब काम चल रहा नहीं है कहीं। आए अब यहाँ भी काम के लिए। क्या कह दिया? अब कह रहे हैं कि अब देखो बताएंगे, काम तो है। आज के इन हालात में जो COVID-19 के रहते हमारे इंडस्ट्री वालों को जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई हैं वो सबसे ज़्यादा दिक्कत हुई है। हमारे पार्टियों पर पैसे का रोकना और मार्केट में हम लोग जहाँ माल बेचते थे, जहाँ हमारा माल बिकता था, उनमें माल का न बिकना। जैसे हम बाज़ारों के अंदर और जो मेले होते हैं, नुमाइश लगती हैं, उनमें बिकता हमारा माल, और जो ये दुनिया भर के पेंट लगती हैं पेंटों के अंदर, और जो शाम को बाज़ार लगती हैं उनके अंदर जो माल बिकता है
आज की उद्योग की स्थिति तो वास्तव में बहुत ख़राब है। जब से ये कोविड का जो सिलसिला शुरू हुआ है 2 साल से, हालात बहुत खस्ता हो चुकी हैं पोल्ट्री लाइन की, क्योंकि पोल्ट्रियों की पोजिशन इतनी ख़राब हो चुकी है कि लोगों का पैसा जो हमारा फैक्ट्रियों का रिटर्न आता है वो बिल्कुल बंद हो गया है ना। और रिटर्न बंद होने की वजह से फैक्ट्रियों की स्थिति बहुत ख़राब हो चुकी है, क्योंकि मेले, पटरी, बाज़ार सब बंद हैं। उसके कारण सारा हमारे फैक्ट्रियों का हालात बहुत खस्ता हो चुकी है। सरकार से कोई लाभ मिल रहा है? सरकार से लाभ तो कुछ नहीं मिल पा रहा है जो मिलना चाहिए। ना लाइट 24 घंटे मिल पाती है और गैस की भी फिरोजाबाद में और खुर्जा में। दिल्ली से बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। पीएम मोदी ने वाराणसी प्रशासन से बातचीत की है। बाढ़ संबंधी स्थिति को लेकर पीएम ने बातचीत की है। जिले की पूरी स्थिति पर पीएम ने विस्तृत बातचीत की है। पीएम ने प्रशासन को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। वाराणसी के ग्रामीण इलाकों में बाढ़ से बेकाबू हैं हालात और यही वजह है कि पीएम ने प्रशासन को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। वाराणसी के ग्रामीण इलाकों में बाढ़ से जो हालात हैं वो बेकाबू हो गए हैं। पीएम मोदी ने वाराणसी प्रशासन से बातचीत की। बता दें कि प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है वाराणसी, और ऐसे में वहां पर जिस तरीके से हालात बेकाबू हैं बाढ़ के चलते, उसको देखते हुए ही प्रशासन से बातचीत की है पीएम मोदी ने। ब्रजेश श्रीवास्तव हमारे एसोसिएट एडिटर हमारे साथ जुड़ गए हैं। ब्रजेश जी, जिस तरीके से हालात बेकाबू हैं बाढ़ के चलते वाराणसी में, उसको देखते हुए पीएम मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र को लेकर चिंता जाहिर की है और साथ ही निर्देश भी जारी किए प्रशासन को। ब्रजेश जी, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? तो ब्रजेश जी से हमारा संपर्क क्योंकि नहीं हो पा रहा, दोबारा साधने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि पीएम मोदी ने प्रशासन को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। वाराणसी में हालात बेकाबू हैं। अस्सी नदी हो चाहे वो वरुणा नदी, दोनों ही बेकाबू हैं और इनके जलस्तर बढ़ चुके हैं खतरे के निशान के ऊपर। गंगा नदी बह रही है, घाटों पर जाने के लिए साफ तौर पर मना कर दिया है लोगों को कि बिल्कुल भी अभी घाट पर ना जाएं। और अगर बात करें 80 नदी के आसपास की, तो यहाँ पर भी घरों तक पानी भर गया है। इतना ही नहीं, वरुणा नदी की अगर हम बात करें तो वरुणा नदी भी उफान पर है। वरुणा नदी के आसपास जो घर हैं वो लगभग डूब चुके हैं और जो वहाँ पर लोग रह रहे थे वो सबसे ज़्यादा परेशान है। ब्रजेश श्रीवास्तव हमारे एसोसिएट एडिटर हमारे साथ एक बार फिर जुड़ चुके हैं। ब्रजेश श्रीवास्तव जी, जिस तरीके से बेकाबू हालात है वाराणसी के बाढ़ के चलते, प्रधानमंत्री ने अपने संसदीय क्षेत्र को लेकर चिंता जाहिर की है और प्रशासन को आश्वासन दिया है कि हर संभव मदद किया जाएगा, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी को लेकर चिंतित हैं। जिस तरीके से वहां पर गंगा का जलस्तर तेजी के साथ बढ़ रहा है, लगातार जो है तमाम इलाके बाढ़ से ग्रस्त हो चुके हैं और केवल जो है घाट ही नहीं बल्कि जो तराई के जितने इलाके हैं वहां पर पानी गाँव के अंदर घुस रहा है, जिसको लेकर के अब प्रशासन से बातचीत की है, कमिश्नर से बातचीत किया है। इसके साथ ही जो जरूरी बंदोबस्त हैं उनको तत्काल जो है उनके प्रबंध करने के निर्देश भी प्रधानमंत्री ने दिए हैं। साफ तौर पर कहा है कि राहत और बचाव कार्य किसी भी तरीके से रुकना नहीं चाहिए और जो भी यथासंभव वाराणसी के लोगों को जरूरत है उसको तत्काल प्रशासन मुहैया कराए। तो प्रधानमंत्री ने वहां के लोगों को भी आश्वस्त किया है कि बतौर सांसद, बतौर प्रधानमंत्री जो है वो वहाँ की जनता के साथ हैं और उनके दुख दर्द में हमेशा शामिल हैं और प्रशासनिक अधिकारियों को तेजी के साथ युद्ध स्तर पर काम करने के लिए निर्देशित किया है। बहुत शुक्रिया ब्रजेश जी, तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए। खबर बाराबंकी से, जहां पुलिस और परिवहन विभाग की टीम की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। पुलिस ने अवैध वाहन बाजारों के खिलाफ चलाया अभियान। अभियान के तहत दो पहिया वाहनों के बाजार पर नकेल कसी। यातायात निरीक्षक अवनीश सिंह ने टीम के साथ छापा मारा है। तो बिकने वाले वाहनों का विवरण और दस्तावेज भी चेक किए गए। इस अभियान के दौरान एआरटीओ प्रवर्तन राहुल श्रीवास्तव ने बताया कि ये सभी बाजार अवैध हैं, इन पर लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। उन्होंने बताया कि अभियान एसपी बाराबंकी के निर्देश पर चलाया गया है। इस दौरान सीओ यातायात ने बताया कि संघन चेकिंग अभियान चलाया गया है। इस दौरान संदिग्ध वाहनों की चेकिंग की गई। उन्होंने कहा कि जो लोग भी रोड पर अवैध रूप से वाहनों की पार्किंग करते हैं उन सभी को जागरूक किया गया, साथ ही अगर वो भविष्य में दोबारा ऐसा करेंगे तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। के निर्देश पे परिवहन और पुलिस विभाग का संयुक्त अभियान था, जिसमें
शहर के जो आंतरिक मार्ग है जहाँ पे ट्रैफिक की समस्या है, अन्य समस्याएं हैं, कोई कोरोना के गाइडलाइन को पालन नहीं कर रहा है, उनको अवेयर करने का और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का अभियान था। इसी क्रम में पुराने वाहन के जो शोरूम यहाँ पे अनाधिकृत रूप से खुले हुए हैं उन पर भी कार्रवाई किया गया। कहाँ से कहाँ तक अभियान चलाया गया? ये मुख्यतः पटेल तिराहे से रामनगर तिराहे तक अभियान चलाया गया।